बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं अपने किचन के अंदर रमज़ान स्पेशल सीरीज़ की एक और ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आ चुका हूँ, रेसिपी लेकर आ चुका हूँ, जो कि है मसाले वाली हरी मिर्च पकोड़े की। ये पकोड़े आपने बाज़ार से लिए होंगे और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। अगर आपका चटपटा खाने का दिल चाह रहा है तो इस पकौड़ों को आप सीख लें। और ये रेसिपी जो है बहुत ही जल्दी बनने वाली है, सिर्फ 5 मिनट में हम इस रेसिपी को तैयार कर लेंगे। और इसका जो मसाला बनाएंगे वो हम 2 मिनट के अंदर इसका मसाला तैयार करेंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसा लुक आएगा और बाज़ार से बेहतर जायका आपको इसके अंदर मिलेगा। तो एक ऐसे टेस्टफुल बनेगी, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर आधा पाव हरी मिर्चें ले ली, चंद मोटी वाली ली हैं क्योंकि इनमें कड़वाहट कम होती है, और उनको मैंने धो लिया था। धोकर आपने बीज से चीरा लगाना है और इसके तमाम बीज को रिमूव कर लेना है, और तमाम मिर्चों को आपने इस तरह कट लगाकर बीज निकालकर एक अलग बर्तन में रख देना है। ये देखिए, मैंने तमाम मिर्चों को कट लगा लिया था और रेडी करके रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके मसाले को तैयार करते हैं। इसके मसाले को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून हरा धनिया पाउडर लिया है, और इसी तरीके से 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, और 2 चुटकी हमने इसके अंदर लिए हैं हल्दी, और इसी तरीके से 1 टेबल स्पून चाट मसाला। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 1.5 टेबल स्पून सिरका। अगर आपके पास लीमू का रस हो तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं, अगर ना हो तो आप सिरका ऐड कर दें। फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो ये देखिए, हमारा मसाला बनके तैयार है। अब हम इसके बेसन को बना लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया और उसके अंदर 1.5 कप बेसन ऐड कर दिया, और साथ ही इसमें मैंने 2 चुटकी नमक और 3 चुटकी धनिया पाउडर, और इसी तरीके से 3 से 4 चुटकी इसी लाल मिर्च, और इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 चुटकी बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स मैं इसको अंडा फेंटने वाले से कर रहा हूँ क्योंकि इससे जो होता है बहुत ही स्मूथली मिक्स हो जाता है और बहुत ही मज़े का होता है, इसमें कोई गुठली बाकी नहीं रहती। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा एक सॉफ्ट सा आपने इसके मैटर को बना लेना है, ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, दरमियाना हो। तो हमारा बेसन का अमेजा बन के रेडी है। अब आप इसको तकरीबन रेस्ट दे दें 1/2 घंटे के लिए। जब तक हम क्या करते हैं, अपनी मिर्चों को भर लेते हैं। इस तरह आपने मिर्चों को खोलना है और मसाले को उंगली में लेकर इस तरह आपने इसके अंदर फिल करना है। इस तरह आप मसाला फिल कर दें और इसको मसाला फिल करके रखते रहें। मैं तमाम मिर्चों को कर लेता हूँ, फिर आपको इसका लुक दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने तमाम मिर्चों में मसाला भर दिया और हमने इसको रेडी करके रख लिया। अब क्या करें, आप चूल्हे पर एक कढ़ाई को रख दें, उसमें ऑयल शामिल करके या घी शामिल करके उसको गर्म होने के लिए रख दें। जब वो थोड़ी बहुत हमारा घी या तेल गर्म हो जाए, फिर आपने इस तरह मिर्च को उठाना है और हमारे पास जो अमेजा था बेसन का उसमें डिबोना है, और डिबो के आपने उस ऑयल में शामिल कर देना है। जितने आपकी कढ़ाई में मिर्चें आ रही हैं आप शामिल करें और इसको फ्राई कर लें। इसको हिलाते हुए फ्राई करिएगा ताकि ये चारों तरफ से हमारा एक ही कलर हो। ये देखें, हमारी मिर्चें फ्राई हो गई हैं। अब आप इसको निकाल लें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, बिल्कुल बाज़ार से भी बेहतर हमारी ये रेसिपी बनके तैयार होगी। इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आई। अगर आप चटपटा खाने का शौक़ रखते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा रमज़ानों में। तमाम मिर्चों को आपने फ्राई कर लेना है और इसको निकाल लेना है किसी बर्तन में। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखें इसका फाइनल लुक, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन हमारी मिर्चें बनके तैयार हुई हैं। आप इसका लुक देख सकते हैं, कितने ही मज़े की लग रही हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी हमारी ये बनके रेडी हुई हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और रमज़ानों में आप इसको अफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा क्योंकि बहुत ही मज़े की बनती हैं, बहुत ही चटपटी बनती हैं। आप इसके अंदर के लुक को देख सकते हैं। आप इसको रूखा भी खा सकते हैं क्योंकि मैंने मसाला जो है ज़्यादा नहीं भरा, नॉर्मली मसाला भरा है ताकि हम इसको रूखा भी खा सकें। ये देखें इसके अंदर का लुक, बहुत ही मज़े की हमारी रेसिपी बन के तैयार हुई है, और इसको बनाने में 6 से 7 मिनट हमारे लगे हैं। उम्मीद है कि ये छोटी सी रेसिपी आपके लिए बहुत ही गाइडफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।